हेलो एवरीवन गाइस, मैं आयान पाकिस्तान आजादपुर चैनल से आज आप सभी के साथ में हूँ। और ये जो आप नारियल देख रहे हैं, बेंगलुरु का नारियल है। बेंगलुरु का जो आज का रेट है, उस रेट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा। आज मार्केट में काफ़ी अच्छे रेवल है गाड़ी की, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको जाम ही जाम दिखेगा, नहीं दिख पा रहा होगा गाड़ी के अंदर। मैं आपको बता दूँ, आज गाड़ियों के साथ साथ रेट के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है। एक्चुअली मैं आपके लिए दो वीडियो बनाने लगा हूँ, एक फ्रूट की और एक वेजिटेबल की। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वो जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो वीडियो बन रही है वो आप सिर्फ एक ही देखें, फ्रूट की वेजिटेबल की भी देखें। उससे भी आपको नॉलेज ही मिलेगी, उससे भी आपको पता ही चलेगा। और वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अनसब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, जो आज नारियल का रेट है एक नंबर का, काफ़ी घट चुका है। जैसा एटमॉस्फेयर सर्दी का आ रहा है, वैसे ही नारियल का रेट घटता जा रहा है। तो जो आज नारियल का एक नंबर का रेट है वो 35-38 रुपये, 40 रुपये तक भी है बेंगलुरु का। और दो नंबर का जो रेट है वो मैं आपको बता दूँ, आज का वो रहा है 25 रुपये भी। वैसे पूरा रेट खुला नहीं है आज का, तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ। लेकिन गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, दोनों वीडियो को देखें, वेजिटेबल को भी एंड फ्रूट को भी। लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अगर किसी चीज़ की कोई भी डाउट है या मुझसे कोई गलती हो रही है तो उसे मुझे बताएं, समझाएं, ताकि मैं उसे आगे सुधारूं। दूसरा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन आज का रेट जानने के लिए। आज का नारियल का बेंगलुरु का जो रेट है वो 35-38-40 रुपये एक नंबर है। दो नंबर अभी खुला नहीं है, लेकिन वही 25-30 रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता है। 20-22 रुपये भी हो सकता है, जो ज़्यादा डाउन की हालत में होगा। तो गाइज धन्यवाद आज का रेट जानने के लिए। हेलो एवरीवन गाइज, मैं आ चुका हूँ यहाँ सेम मार्केट, और सेम मार्केट का जो आप मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, जैसे कि नारियल में दिखाया, तो नारियल में भीड़ थी, यहाँ पे थोड़ी छीड़ है, यानी कि मार्केट में व्यापारी जो थोड़ा हल्का है, बाकी सब सही है। और आज रेट पता करने के लिए चलते हैं माँ इरफान भाई के पास, जो कि हमारे यहाँ जाने माने। देखिए मैं इरफान भाई के पास जो ज़्यादा आता हूँ, एक्चुअली इनके पास माल का जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी के साथ में ऐसे इनों के रेट भी होते हैं, और वैसे इनों की क्वालिटी खुद की भी है। तो इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 162 पेटी का लॉट है जो आप देख रहे हैं जी, ये वाला बहुत बढ़िया माल है, 1100 रुपए बिका है गाइस आज जी। बताइए सर, वैसे तो माल सारे बिक चुके हैं, 1200-1250-1300 रुपए तक मार्केट है। मार्केट मतलब खाली है, माल के हिसाब से अराइवल बहुत कम है, 40-50 गाड़ियां हैं सिर्फ, तो इसीलिए माल की तेजी की वजह से, मार्केट में माल कम होने की वजह से फुल डिमांड है, फुल डिमांड है और तेजी भी आ चुकी है। बस ये समझो ऐसे ही रखा हुआ है, माल सब बिक चुके हैं टोटल। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, माल अच्छा होता है, क्वालिटी सर ने बताया भी था कि मेरी माल की जो है इनों का माल खुद बोलता है, इसीलिए यहाँ पे आने से पहले इनों का माल भी साफ हो जाता है, मतलब बिक जाता है, बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए। और सर अपनी कंपनी का नाम हम बताएं। हमारी फर्म का नाम है हरी फ्रूट ट्रेडर्स, 2722 न्यू सब्जी मंडी आजाद। तो भाई जैसे मैंने बताया, यहाँ पे वाकई में क्वालिटी होती है, और क्वालिटी के हिसाब से उसके दाम होते हैं, और दाम के हिसाब से यहाँ पे जो व्यापारी है वो आता है और साथ के साथ ले जाता है। मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी देखी है, व्यापारियों के आपस में मतलब फाइट होते हुए भी देखा, वैसी वाली नहीं, मतलब ऐसा पेटी के ऊपर के मेरा ये मेरा ये वाला करके। तो इरफान भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9891-95701। ये इरफान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। कृपया करके थोक में सब संपर्क करेंगे, फुटकर में कोई भी नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए, और थैंक यू सो मच इरफान भाई जो आप आज का वीडियो बनवाए, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूं यहां संतरा मार्केट, और संतरा मार्केट में जो आप देख रहे हैं और आपकी लेगा, तो संतरा मार्केट का जो आज हमें रेट बताने वाले हैं, हमारे यहाँ के जाने माने हमारे शर्मा सर बताने वाले हैं। शर्मा सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। संजीव शर्मा। आपकी फर्म का नाम? NTC। जी अपने पास जो संतरा ये कहाँ का और इसका क्या रेट है आज का, कितने दाने का? महाराष्ट्र का रेट डाउन है, मार्केट में ग्राहक नहीं है जी, उधर बाजार में उधर माल भी नहीं है, सारा गिर गया। अच्छा माल नहीं है तो ग्राहक भी बहुत नुकसान है आपको, व्यापारियों का बहुत व्यापारियों को नुकसान है, उसका उसकी वजह सर? वजह बरसात की वजह से माल खराब हुआ, डैमेज हो गया जी, इधर बाजार नहीं है, ग्राहक नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो सर आज का जो अपने पास संतरा है, वैसे तो आपके पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का, और इसका टेस्ट भी बढ़ चुका है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, रेट नहीं मिल रहा है, तो आज का क्या रेट? 1200 रुपए का था वो 1000 रुपए पे आ गया, जो 1200 पे था वो 1000 रुपए पे आ गया। तो
सर पीछे से भी डाउन है या पीछे से हाई? पीछे महंगा, पीछे माल है नहीं, गिर गया सारा पेड़ों में। तेजी है पीछे सर, पीछे से तेजी है, लेकिन आगे अगर हम आगे से सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें सस्ता जा रहा है, जो इसकी वजह से नुकसान आ रहा है। तो आज जो 205 संतरा है उसका क्या मतलब दाना है उसका? 400 रुपये, 350 रुपये पर क्रेट का, जिसमें वजन 25 किलो होता ही होगा। 25-26 किलो। और 191 दाना? 91 दाना 500, 550। 171 दाना? 71-600 रुपये। और 41? 41 900-800 रुपये का। तो गाइस जो आज का रेट है वो 900-800, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला। सर ये वाला भी जो अच्छी से बेहतर क्वालिटी है आपके पास 900 रुपये पर क्रेट का। तो यदि कोई भी व्यापारी अपने माल की आपके पास गाड़ी लगाना चाहे तो लगा सकता है, उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 97-117-82-402 ये सरकार कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। कृपया करके गाइस थोक में संपर्क करेंगे, फुटकर में कोई भी नहीं। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर आज का रेट बताने के लिए, थैंक यू फॉर नॉलेज। हेलो एवरीवन, गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ माल्टा मार्केट और मालगांव मार्केट। जो आप देख रहे हैं ये एक नंबर, दो नंबर और ये तीन नंबर में आने वाला हूँ। ये किन्नू का शायद था, किन्नू का रेट अभी बताऊँगा और माल्टे का भी। तो जो आज हमें यहाँ के रेट बताने वाले हैं मैं आपको दिखा दूँ, गाड़ी वहाँ पर लगी हुई है, चारों तरफ यहाँ पर मार्केट हुई है। और मार्केट के साथ में जो आज हमें रेट बताएंगे हमें हमारे भाई बताएंगे। तो भाई जो है अपने और भाई बिजी रहते हैं, काम अच्छा से करते हैं और बहुत ही सिंसियर हिसाब से यहाँ पे काम करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कितने में आपको मार्केट दिखा के लाता हूँ क्वालिटी कि क्या क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे वजन के साथ में इसका क्रेट का वजन हो जाता है, उसके बाद में फिर ये चलता है आगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यह गाड़ी है, यहाँ पे एक ग्रेडिंग करते हैं ये लोग। और ग्रेडिंग करने के बाद में एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, भाई ये तो सारा पीला हुआ, ठीक है उधर चार नंबर, ये चार नंबर है, ये चूरा हो गया। अब एक नंबर दो नंबर तो दिखाओ मेरे को, किधर है ये एक नंबर? गाइस आज एक नंबर दो नंबर यानी कि सबका एक ही रेट रहेगा दोनों का, मेरा ख्याल कहता है तभी एक जगह पे रहता है। दूसरा ये तीन नंबर है, चार और पीला मैं ऑलरेडी दिखा चुका, ये पीला भी है, ये चार और चूरा, पाँच नंबर और ये चूरा। तो ये क्वालिटी के साथ में आज चलते हैं फिर रेट जानने के लिए अभी भाई के पास। अब आ गए हमारे भाई थोड़े से फ्री हुए। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है जी। भाई आपकी फर्म का नाम बताइए। मेरा फर्म का नाम महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी। क्या नाम है? महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी। महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी। अपने पास जो माल्टा है वो कहाँ का है? ये पंजाब। क्या रेट है आज का? आज का रेट है माल्टे का 25 रुपये से लेके 35 रुपये तक। 25 रुपये से लेके 35 रुपये तक रेट बढ़ गया है जी। आज का? आज ही का रेट है। आज ही का रेट है। तो 35 रुपये कितने मतलब क्या रेट, कौन सा वाला? एक नंबर, एक नंबर मीडियम, 35 मीडियम, दोनों का 35। और दो तीन नंबर का? तीन नंबर का जो है वो 30 रुपये। 30 रुपये। और चार नंबर? चार नंबर 25 रुपये। 25 रुपये, ठीक है। तो गाइस आज माल्टा गए, आपके अपने पास किन्नू भी है? हाँ किन्नू भी अपने पास। क्या रेट आज का किन्नू का? किन्नू का 17 रुपये रेट है। किन्नू का 17 रुपये गाइस रेट है। किन्नू की आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो आज किन्नू पे 1-2 रुपया पड़ गया है जहाँ तक हमारा ख्याल कह रहा है। आज से पहले 16-17 था, आज 17 है ना भाई? जी जी। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दो। 8130772968। ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए, थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ मौसमी मार्केट, और मौसमी मार्केट का जो आज मैं आपको रेट बताने वाला हूँ आप देख सकते हैं क्वालिटी वाकई में बहुत बेहतर है, बेहतरीन क्वालिटी है। और यहाँ पर चार नंबर वाला है भी, ये देखिए आप, एक नंबर, ये दो नंबर है, ये इधर तीन नंबर है। और जो आज हमें रेट बताने वाले हैं यहाँ के जानी मानी हस्ती हमारे भाई, भाई आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा कार्तिक बत्रा। क्या नाम है सर? कार्तिक बत्रा। कार्तिक बत्रा भाई आपकी फर्म का नाम क्या होगा? आज के राम सर किशन जी। तो अपने पास जो आज मौसमी है वो कहाँ की और क्या रेट है इसका? मौसमी भैया अपने पास नागपुर की है जी। नागपुर का थोड़ा ग्रीन अच्छा माल होता है नागपुर, भैया थोड़ी अच्छी क्वालिटी है मार्केट से। और इसका मीडियम का रेट है 37-38 जी। और इसका तीन नंबर का प्राइस है 32 और इसका चार नंबर का प्राइस है 26। अभी आप वन नंबर, वन नंबर इसका भी वन नंबर और टू नंबर आजकल सेम रेट बिक रहा है, तो दैट इज 38 होगा, ठीक है। और यदि कोई अपना माल लगाना चाहे तो लगा सकता है, जैसे आपसे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया था तो आपने उसके लिए भैया यहाँ पे APMC बनी पड़ती है और APMC यहाँ पे अलॉट करते हैं फंड जी। और जो APMC भरता है जिसके पुराने फंड है हमें लगभग 30 साल हो गए मौसमी में जी। तो कोई नया आदमी नहीं आ सकता, दे आर रजिस्टर्ड 55 मेंबर्स होंगी, तो 55 आरती ही यहाँ पे 55 आरती रजिस्टर्ड है, उसके अलावा कोई नहीं अभी काम। अच्छा जैसे कि मैं उधर की साइड जाता हूँ वो जो फंड है उधर में जो है वो कोई भी आमीन लगा सकता है, जैसे मैं आपसे बोल पूछा तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? इसका डिफरेंस ये है,
गवर्नमेंट अलॉट करती है सबको फंड, और यहाँ पे कोई नया भी काम करना चाहता है, नया भी काम करता है जिसके पास लाइसेंस है जी काम करने का या जिसके पास दुकान है जी, तो वो कर सकते हैं। वहाँ पे 3 से 4 फंड उन्होंने APMC वालों ने दिया, जो दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, तो दैट इज़ ओपन फॉर ऑल, तो जो लोग APMC भरते हैं या APMC का काम करते हैं तो वो 4 फंड पे काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसलिए। और यहाँ पे हमारे जिनके बहुत पुराने काम है और जो हम APMC बहुत सालों से भर रहे हैं उनको परमानेंट फंड अलॉट हुए हैं, ये रीज़न है। थैंक यू, आप बहुत ही अच्छी नॉलेज बताई की बात ये हमारे लिए, क्योंकि हम सभी ये जानना चाह रहे थे। थैंक यू भैया, और थैंक यू आज का रेट जानने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 5 स्टार अजाजपुर सर को प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बढ़िया इनका चैनल है, बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स देते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस बताते हैं। इससे सबसे अच्छा ये होता है कि ग्राहकों को पता लगता है कि क्या रेट दिख रहा है, ग्राहक को फूल नहीं बनते कि बाहर लोग 70-80 रुपये मांगे तो ग्राहकों को पता है कि मंडी में 40 रुपये बिक रहा है तो उनको फालतू नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग बोलते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और हमारा नाम ख़राब होता है, तो ये चीज़ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और ये चीज़ आप लोग से सुनेंगे और ये डायरेक्ट अपडेट करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि क्या रेट सही रेट है और क्या प्राइस पे आपको माल प्रोडक्ट परचेज करना है। थैंक यू भैया आज का मेरे लिए बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आयान आज़ादपुर मंडी से, और आज़ादपुर मंडी में जो आप ये तरबूज देख रहे हैं आंध्रा का, और आज जो आंध्रा का रेट हमें बताएंगे, आज यहाँ के जो कार्यकर्ते हैं कार्यकर्ता बताएंगे, तो मैं कार्यकर्ताओं के पास चलते हैं और आपको वैरायटी और क्वालिटी दिखा देते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आज बड़े सन हैं उन्होंने कहा कि आज हमारे बच्चे बताएंगे, तो बच्चे में जो आते हैं, भाई आपका नाम बताइए। राकेश। क्या नाम है? राकेश। राकेश आपकी फ्रॉम का नाम बताइए। KLS यानी कि कैलाश लाल एंड सन्स कंपनी का नाम है। हमारे जो आपको मैं दिखाता भी हूँ सर को, जज ने कल भी बताया था। तो आज जो तरबूज का रेट है भाई, कहाँ का क्या रेट है? आंध्रा का है। आंध्रा का क्या रेट है आज का? 18 रुपये ये पैकेट में 3 दाना। सरदा का क्या रेट है? 320 और 300 है, वही 300-250 के, 270-280 का भी होता है। संतु 350 तो गाइस कि आज का जो रेट है वो यही है। आज का रेट जानने के लिए धन्यवाद आप सभी का। ये सभी यहाँ पे कार्य करता है, तो ये पूरी टीम ने आज सर ने बोला, आज पूरी टीम ही बताएगी रेट और पूरी टीम ये संभालती अगर सर नहीं होते हैं तो। थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए। गाइस मैं जैसे कि आपको अनार का रेट बताने वाला हूँ, तो अनार का जो रेट है वो ये महाराष्ट्र का नासिक का होता है, और महाराष्ट्र का जो रेट है वो आज हमें बताएंगे हमारे सर। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। अशोक कुमार। सर आपकी फ्रॉम का नाम? फ्रॉम आपकी कंपनी का नाम? डबल एस। गाइस कंपनी का नाम है, और जो आज ये अनार है वो कहाँ का है सर? ये सोलापुर है, काबुल है। गाइस ये सोलापुर का है जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये नासिक है, ये काबुल है। गंधार यानी ये 3-3 जगह का है सर के पास में माल है, और जो आज का रेट है वो भी आज हमें बताने वाले हैं सर। सर गंधार का आप पहले बता दीजिए क्या रेट है? गंधार का 700 रुपये, 750, 700, 750। ये कितने किलो वजन की पेटी में? ये 10 किलो। 10 किलो के वजन की पेटी में। गाइस मैं और आपको आगे से दिखा दूँ इसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से है। ये 700 से 750 है और 10 किलो वजन का इसका जो रेट बताया गया सर ने। सर ये सोलापुर, ये नासिक का है। तो गाइस नासिक की आप क्वालिटी देखेंगे, नासिक की क्वालिटी के साथ में आप देख सकते हैं क्या साइज है। कितने दाना है सर ये नासिक में? ये 16 दाने है। 16 दाना। क्या रेट है इसका? ये इस समय तो मंदा है। हाँ जी 1000 रुपये का है। 1000 रुपये का है इस टाइम में आज की रेट का, और जैसे जैसे दाना बढ़ता है वैसे वैसे रेट घट जाता है। बढ़ता है और जैसे रेट दाना घटता है तो वैसे रेट कम होता है, वैसे रेट कम हो जाता है। तो उसके बाद में अब ये बात करते हैं सर, ये वाला कहाँ का बताया था आपने? ये 30 दाना है जी। कहाँ का? ये नासिक है। ये भी नासिक है, 30 दाना। तो रेट इसका क्या होगा सर? इसका भी बढ़ जाएगा फिर? इसका तो 950। तो ये आज जो रेट बताया आज की कंडीशन यही रही। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ परसुमन जापानी और रामफल जिसे कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक साफ सुथरी बढ़िया सी बढ़िया क्वालिटी को मैं आपको दिखाता हूँ, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के साथ में। एक्चुअली गाइस कल जो आप बोल रहे थे कि कलर की जो है वो पीले कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, मैं आपको बता दूँ जैसा आपने अपने मोबाइल का कलर सेट कर रखा होगा वो वैसे कलर का आपको दर्शाएगा, और इसके अलावा जो मेरे कलर का फ़ोन का कलर है वो वैसे कलर का आपको दर्शाएगा। तो जैसे जैसे हमारे पूरी वैरायटी कलर की सेटिंग होती है तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको दर्शाता है और उसी को उसी के अकॉर्डिंग दिखाता है। तो जो मेरे पास कलर आ रहा है वो वैसा का वैसे कलर है। अब आपको देखना है कि आपके फ़ोन में कैसे कलर की सेटिंग है और कैसे आपको दिखाना है। तो मैं आज जो ये परसुमन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे रामपल भी हम कहते हैं,
तो आज हमें बताने के लिए जा रहे हैं हमें हमारे जाने माने अंकल। अंकल आपका नाम बता दीजिए। उमेश जी। उमेश जी, उमेश सर आपकी फर्म का नाम बता दीजिए एक बार। विजय फ्रूट कंपनी। गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और अभी, और सर यहाँ पे हमें रामफल और अनार के दोनों के रेट प्रोवाइड करने वाले हैं। सर आज जो आओ रामफल का रेट है वो क्या है? रामफल का रेट है जी 700 से 1200 रुपये। 700 रुपये से लेके 1200 रुपये आज का रेट है, जो कि क्रेट का, जिसमें टू लेयर सर या थ्री लेयर? वन लेयर और टू लेयर दोनों का बीच में ही काउंट किया है मैंने। बीच में ही काउंट किया है। इसमें कितना वजन होगा वन लेयर और टू लेयर में? वन लेयर में 7-8 किलो और टू लेयर में आपका 13-14 किलो तक। तो गाइस ये वजन भी हुआ, रेट भी हुआ। और ये सर कहाँ का है रामफल आपने पास? कुल्लू। कुल्लू का सर रामफल ओनली कुल्लू में ही होता है या कहीं और भी है? बढ़िया कुल्लू में ही होता है। बढ़िया कुल्लू में, और वैसे इधर उधर शिमला भी होता है? शिमला में भी होता है। तो गाइस ये शिमला का और कुल्लू का फल है। और सर अनार भी आपके पास में कुल्लू का ही है, तो कुल्लू का अनार का आज आप रेट बता दीजिए। चला आज मीडियम क्वालिटी है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है जी। मेरे पास आज 125-130 रुपये किलो की रेंज के माल है अनार की। कितने दाना, इसमें दाना वगैरह होता है? वजन है 10 किलो वाला। वजन से 10 किलो वजन में है कुल्लू का? हाँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप सब देख रहे हैं कि कुल्लू का 10 किलो वजन में है, और इसका वजन जो बताया सर ने 120 रुपये किलो की, 125-30 रुपये किलो का ये लास्ट है। और सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9818-5-9434। ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ थोक में खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है। सर आज वैसे अवेलेबल कितना रहा है अनार का? 15 गाड़ी यानी कि शॉर्टेज चल रही है ना गाड़ियाँ, पहले से कम चल रही है ना गाड़ियाँ? इतनी चल रही है, इतनी चल रही है। त्यौहार का पास है तो गाड़ियों का शॉर्टेज चल रहा है और काम की तेजी थोड़ी आती जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत ही बढ़िया बात भी है। जैसे कि काम की तेजी आती है, लेकिन काम के साथ में माल अगर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना सर? तो गाइज आज का रेट जानने के लिए और सर के साथ में कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सर। गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ नाक मार्केट, और नाक मार्केट में जो आप ये नाक देख रहे हैं ये कश्मीर का होता है, हम सभी को पता है। और इसका जो आज का रेट है वो मात्र 700 रुपये पर पेटी है, जिसका वजन 16 से 17 किलो होता है, हम सभी जानते हैं। और इसका आप क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ही औसम, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे बैठे सर हमारे, वो वेट कर रहे हैं आप सभी का। तो प्लीज़ गाइस दिवाली के टाइम पे आप सभी आइए यहाँ से, खरीदिए और लेकर के जाइए। अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छा रेट आप सबको मिल रहा है, और अच्छे रेट के साथ में अच्छा फल मिल रहा है, और उस फल को खाने का मज़ा लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आके सर का कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद गाइज आज का रेट जानने के लिए। हेलो एवरीवन, गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ अमरूद मार्केट, और अमरूद मार्केट में जो मैं आपको अमरूद दिखाता हुआ चलता हूँ, ये अमरूद रतलाम का है, और रतलाम के साथ साथ ये अमरूद जो आपको मैं दिखा दूँ, भाई ऊपर देखना, अमरूद 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 रतलाम का है ना ये? हाँ ठीक। अमरूद 10 रुपये किलो है, बहुत मंदा हो गया दिल्ली में। तो गाइज जैसे कि आज हम बताने वाले हमें हमारे भाई जो कि जाने माने हैं आगे, और मैं आता भी हूँ भैया के पास में, और भैया जो मुझे रेट बताते हैं वो बहुत ही अच्छे और सॉलिड होते हैं, और सब आप सभी जानते हो कि मैं आपको जो रेट देता हूँ वो एक्चुअल देता हूँ। भैया अपना नाम? सूरज महाजन। और जी पर मैं महाजन एंड सन्स जी। 150 ग्राम का अमरूद बिक रहा है आपका 60 रुपये से लेके 55-60-65, बढ़िया क्वालिटी का 70 रुपये। तो काफी घट गया है ना भैया रेट इसका? पहले रेट हो गया, पहले 110 रुपये, पहले 110-120 भी मैंने इसका रेट लिया है, अब आधे में ही हो गया एकदम, कह सकते हो आप आधा हो गया जी। कुछ बारिश समझ लो और कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फिर माल भी ज्यादा आने लगा ना अभी, पहले माल ज्यादा आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना अमरूद अब पक रहा है जी, सर्द गर्म की वजह से अमरूद पकना शुरू हो जाता है, या तो इसको प्रॉपर ठंड चाहिए, ठंड की वजह से प्रॉपर उसका साइज बना रहता है, और जो चमक है वो आती रहती है, जैसे लंबा दाना है जी, जैसे ठंड पड़ेगी के बाद दाना फूल हो जाएगा। अच्छा, तो गाइस जैसे कि मैंने बताया मैं जो आपके पास में रेट देता हूँ वो बहुत ही अभी जैसे कि बहुत ही एक्सपर्ट के साथ में आके आपका सारा जो नॉलेज भी दिलवाता हूँ उसके साथ में। जैसे कि भैया ने बताया सर्दी के अकॉर्डिंग इसका साइज लंबे में आता है, फिर उसके बाद में गोल में तब्दील हो जाता है जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है। भैया अपने पास ना रुद्रपुर का भी है? हाँ रुद्रपुर भी है भैया। हाँ तो आज क्या रेट है रुद्रपुर का? रुद्रपुर आज थोड़ा सा बजट टाइट है आपका, जो पहले 20-22 रुपये बिकता था आज वो 35 रुपये बिक रहा है L40। अच्छा, और गोल्डन आपका 48-50 रुपये तक का। तो आज गाड़ियों के अरेवल मेरे ख्याल से कम है? नहीं, गाड़ी का अरेवल नहीं है, एक्चुअली 2 दिन से बारिश की वजह से माल कम आ रहा था। अच्छा, माल अब पकना शुरू हो चुका है जी, ठंड सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि सर्द और गर्म की वजह से जो है माल अब पक रहा है, पकने की वजह से वो गिरता है पेड़ पे सब, उसकी वजह से ही है। माल कम रहेगा तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा जी। एक में भैया की खासियत बता दूं, भैया यहाँ पे जो बिना मास्क के नहीं रहते हैं, भैया हमेशा मास्क ही मिलेंगे आपको, मैं कभी भी आ जाऊँ मैंने आज तक भैया को बिना मास्क नहीं देखा, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सभी के लिए।
तो ये बहुत अच्छा मैसेज है हम सबके लिए कि भैया अपने आप को कोविड के साथ हम सभी को एक अच्छा सूचना देते हैं, समाचार मतलब ये देते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर फॉलो किया गया तो हमारी भलाई के लिए, और उस भलाई को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ये रुद्रपुर का है जो कि रेट बताया गया था अभी। तो थैंक यू एवरीवन गाइस। रेट मैं आपको बताते जो इसका बोर्ड है वो भी दिखा देता हूँ, उसमें आपको लाइसेंस नंबर सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये बोर्ड है, इसमें लाइसेंस नंबर एड्रेस सारी चीज़ें, आप सबने बंदा भी देखा, काम भी देखा, सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादा यहाँ पे आए। हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ अंगूर मार्केट, और अंगूर मार्केट में जो आप अंगूर देख रहे हैं अफगानिस्तान का है। अब से पहले मैंने आपको बहुत एक नंबर दिखाया, लेकिन आज का जो एक नंबर है वो वाकई में बिल्कुल बेहतरीन वाला है, एकदम अच्छी क्वालिटी का, और जिसे बोलेंगे ऑर्डनरी, तो वो क्वालिटी है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बेहतरीन से बेहतर। और आज इसका जो प्राइस है वो 600 से 650 का है। आप देख सकते हैं एक दाना किस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई भी दाग या निशान नहीं है। और इसके साथ में आज जो इसका रेट मैंने आपको बताया, 4 किलो की क्रेट होती है जैसे कि हम सभी जानते हैं, और इसका 4 किलो का वजन का जो रेट है वो आज का है, आपको मैं बता दूँ, मात्र 600 से 650 रुपये पर क्रेट का है, एक नंबर का। और इसके साथ मैं आज आपको काले अंगूर का भी दिखा देता हूँ, जो कि महाराष्ट्र का है, वो अफगानिस्तान का था, ये महाराष्ट्र का रहेगा। तो महाराष्ट्र का जो ये आप देख रहे हैं 500 ग्राम में होती है पैकिंग, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और ये जो है आज 750 से लेके 1000 रुपये तक की है, जिसका 5 किलो वजन है, जो इस बॉक्स में आता है, और इस तरीके की पैकिंग उसके अंदर से निकलती है। मैं आपको अभी प्लेन भी दिखाता हूँ, जी 10 होते हैं, 5 किलो, 5 किलो वजन हो गया ना, 10 पैकेट होते हैं, 5 किलो वजन, 10 पैकेट होते हैं, 5 किलो वजन होता है, राइट। और आज का जो रेट है उसका 750 से 1000 के बीच में, क्लियर है, ठीक। तो गाइज आज का ये रेट है यहाँ का, और मैं आपको अभी फ्लेम की तरफ लेके चलता हूँ। ये आप देखेंगे फ्लेम, और फ्लेम का जो आज का रेट है मैं आपको बता दूँ, फ्लेम एकदम साफ़ सुथरा है, और साफ सुथरे के साथ साथ इसका ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है आज का, वाकई में काम माल जो है बहुत ही ऑसम क्वालिटी से। अंकल आज का क्या रेट चला है इसका? 400 रुपये। कितना वजन होता है इसमें? 4 किलो वजन में, और 400 रुपये का, एक नंबर क्वालिटी। तो गाइस आज का जो रेट है वो यही है। थैंक यू एवरीवन आज का रेट जानने के लिए। ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें चाहे मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस। गाइस मैं आ चुका हूँ सिंगाड़ा मार्केट, और सिंगाड़ा मार्केट में जो आप सिंगाड़ा देख रहे हैं एटा का है, और एटा का जो सिंगाड़ा है वो आज के डेट 500 साढ़े 500 का इन्होंने रेट बोला हुआ है। अब इसमें कितना लग जाए, इसका वजन मैं आपको बता दूँ 55 से 60 का होता है। और आप देखें यहाँ पे वैरायटी देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं एटा की। ये झोड़ झील का शायद वो होता है, और यहाँ पे जो आज का रेट चल रहा है, भाई आज का रेट क्या चल रहा है? आज 500-600 रुपये का रेट, 500-600। रेट दिन पे दिन तुम बढ़ाते जा रहे हो फिर से, अभी तो 400-450 आ गया था। जब माल कम हो जाता है तो रेट अपने आप बढ़ जाता है, ग्राहक ज्यादा होंगे, जब खरीदार ज्यादा होंगे बोलियां लगेंगी, एक दूसरे के ऊपर खरीदने लग जाएंगे। अच्छा, तो ये रीजन है। अच्छा, तो आज का जो रेट रहा है एटा का है ना, ये क्या रेट रहा है? 500-550, 500-550, 600, 600, यानी कि 500-600 का रेट लगा है। और जो भी आप लोग खरीदते हैं वो आपको पता चलता ही रहता है, जितने भी रोट लगता है एक दूसरे से वो लगा लेते हैं। वजन कितना होता है बड़े भाई? वजन मुंडे का वजन होता है 75-70 किलो तक का, ठीक है, और डंडल का वजन होता है 50-45। इसमें मटेरियल कितना निकल रहा है एकदम सच 45-50 किलो। गाइस देखा आपने, यानी कि 600 रुपये की अगर बोरी है 50 किलो या 40 किलो उसमें माल निकला, तो मोस्टली जो पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना। अभी मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं थोड़ा कमज़ोर हो चुका है पहले से अकॉर्डिंग। तो थैंक यू एवरीवन आज का रेट जानने की। हेलो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं त्यौहार का पास हो चुका है, और त्यौहार के पास में सभी त्यौहार की तैयारी में लगे हुए हैं, माल की शॉर्टेज चल रही है, तो उसी तरीके से व्यापारियों के यहाँ पे बढ़ोतरी भी चल रही, माल में बढ़ोतरी चल रही है, यानी कि अगर पीछे से माल कम होता है तो मंडी में तेज़ी आ जाती है, यानी कि मंडी के रेट बढ़ जाते हैं। उसी व्यापार को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग आते जाते हैं और अपना माल सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदने के साथ साथ जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं मौसम काफ़ी ठंड में तब्दील हो गया है, तो उस सिचुएशन में हम थोड़ा सा खाने पीने पर भी अपना ध्यान देते हैं। तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसकी हम सभी को आने वाले टाइम में डिमांड है, और उस डिमांड का जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज एक नई चीज़ इन द सेंस आज के लिए है, वैसे वो हम सभी जानते हो पुरानी है। तो ये है गाइस नेस्कैफे कॉफ़ी, और नेस्कैफे कॉफ़ी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आज हम इनसे मिलने के लिए चलेंगे, और यहाँ के बनाने का तरीका भी देखेंगे, और इन्हें समझेंगे भी। तो बताने के लिए चल रहे हैं आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में,
हेलो हाय, दिस इज समीर। टिंग टोंग फर्म है हमारी। टिंग टोंग का हमारा रूह अफ़ज़ा होता है, फेमस है पूरी दिल्ली में, और टिंग टोंग की हमारी कॉफ़ी है, और ये कॉफ़ी हम स्पेशल बनाते हैं। हमारा रूह अफ़ज़ा भी स्पेशल है, मज़ा ना आए पैसे वापस। हमें लाइसेंस मिलने वाला है, हमें पहले भी ऑलरेडी लाइसेंस फसाई में हम काम करते हैं, सब हम ब्रांडेड लगाते हैं, खुला कुछ नहीं लगाते, अकॉर्डिंग टू हेल्थ लगाते हैं। हमारा ये कहना है, हमारा कभी भी आप टेस्ट ले सकते हैं, क्वालिटी का स्टैंडर्ड का, मज़ा ना आए पैसे वापस। कॉफ़ी में भी और टी में भी 20 रुपये की कॉफ़ी है, और 30 रुपये और 50 रुपये की कॉफ़ी है। कोई भी कॉफ़ी लो और उसको आप पियो, अच्छा लगे पैसे वापस। टिंग टोंग के नाम से हमारी पैसे टिंग टोंग फर्म है। हमारी दिल्ली में कई ब्रांचेस हैं और हम जल्दी ब्रांचेस खोलने वाले हैं। हमारी मार्केट डिमांड इसलिए है कि हम हेल्थ के मुताबिक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी देते हैं। वेलकम, एनी टाइम आप आ सकते हैं। टिंग टोंग कॉफी फेमस के नाम है, टिंग टोंग रूह अफ़ज़ा शरबत हमारा फेमस है, और जल्दी हम आपको मार्केट में और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आपकी और कहाँ कहाँ ब्रांचेस है? हमारी एक जो चल रही है टैगोर गार्डन में चल रही है, जुमा मस्जिद पर है, और यहाँ और भी खुलने वाली एक ब्रांच है। जी, तो समीर भाई अपनी कॉफी का लुत्फ भी दिखाइए, कैसे आप बनाते हैं और कैसे यहाँ पे लोगों की डिमांड है। गाइस देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिल्क हट के फुल क्रीम और स्पेशल अमूल दूध यूज करते हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया में अमूल की कितनी डिमांड है। ये अमूल से एकदम आगे, ये सुपर अमूल है जी। अच्छा, इसको इस तरह लेते हैं, और ये हमने इसको इस तरह लिया, सिंपल था ये, मशीन का कमाल हुआ। अकॉर्डिंग टू शुगर कस्टमर डिमांड ये इस तरह यूज किया लाइट, और ये नेस्कैफे इस तरह यूज किया इसको, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाइट हाइट स्ट्रॉन्ग और लाइट जैसे लोग पसंद करते हैं। उसके बाद इसमें हम दो तीन चीज़ें हमारी इसमें मिली होती हैं स्पेशल, जो कॉफी ये चॉकलेट है टॉप का, लेकिन इसमें हम दो तीन चीज़ें ऐड करते हैं जो इसको स्पेशल टेस्ट बनाती हैं, इसका टेस्टी भी हेल्दी भी, तो वो हमारा एक सीक्रेट फार्मूला है, वो हम किसी को नहीं बताते। तो इस तरह से हम चैलेंज देते हैं, हमारी कॉफी पी के मजा ना आए आपको पैसे वापस। वेलकम, यू कैन एनी टाइम विजिट हमारे पास। गाइस इस तरीके से कॉफी तैयार होती है, और कॉफी तैयार होने के बाद में हमारे समीर भाई यहाँ पे आप सभी को सर्व करेंगे। और कृपया करके गाइस, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में हमें कॉफी चाय सबसे ज्यादा अजीज होती है, और सबसे ज्यादा कॉफी लजीज होती है। उसके साथ हमें अगर हेल्दी कॉफी मिल जाए तो उसका कुछ मजा ही अलग होता है। कहते हैं डॉक्टर के सर्दियों में जरूर पीनी चाहिए, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और हार्ट के लिए बेहतर होती है, चुस्ती फुर्ती के लिए, सर्दियों की बीमारियों से बचाती है कॉफी। बिल्कुल सही बात है ये। वेलकम, हमारे पास कभी भी आएंगे आप हेल्दी प्रोडक्ट पाएंगे। हम पानी भी जो यूज करते हैं वो आरओ का इस्तेमाल करते हैं, लोकल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, खुला ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। समीर भाई आपका कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिए एक बार। 93-13-81-90 ये ओल्ड है, अब नया आने वाला है, तो यहाँ डिस्प्ले पे सब कुछ लग जाएगा। ठीक, समीर भाई जिस तरीके से फुर्ती में काम करते हैं उसी तरीके से फुर्ती में यहाँ पे बात भी करते हैं, और बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाया भी, और हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप सबकी कॉफी को यहाँ पे तैयार करते हैं। आप सबके लिए कॉफी को तैयार करने के बाद आप सबको सर्व करते हैं। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, सर्व कर हमारा ये मैसेज है, कम खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, नगद दें, खुला दें, बहस ना करें, बी हैप्पी, बी हेल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।